भाई YouTube पर चैनल बनाए हैं, अब आधी दुनिया YouTube पर आ गई है, तो आप कब YouTube पर आएंगे? ठीक है, अब YouTube ने आपको पकड़ के नहीं लेके आना भाई। तो मेरा भाई ये आइडियाज, अगर आपके पास आइडिया नहीं है तो आइडियाज मैं आपको दे दे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इफ्तिखार अहमद, वेलकम टू माय YouTube चैनल। तो अगर आप भी YouTube पर चैनल बनाने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंतहाई अहम है। आज मैं आपके लिए काफ़ी सारे YouTube पर चैनल बनाने के आइडियाज लेके आया हूँ, ठीक है। इनको मैंने मोबाइल में लिख लिया है ताकि मैं आपको बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकूँ। तो ठीक है, अभी इसकी वीडियो को जो है ना वो आपने एंड तक देखना है ताकि आपको ये समझ आ जाए। तमाम टॉपिक मैं कोशिश करूंगा आपको थोड़े थोड़े वक्त के लिए जो है ना वो मैं उसको साथ एक्सप्लेन भी कर दूं। तो आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं YouTube पर चैनल बनाना और डॉलर कमाना, तो भाई YouTube पर चैनल बनाए हैं, अब आधी दुनिया YouTube पर आ गई है, तो आप कब YouTube पर आएंगे? ठीक है, अब YouTube ने आपको पकड़ के नहीं लेके आना भाई। तो मेरा भाई ये आइडियाज, अगर आपके पास आइडिया नहीं है तो आइडियाज मैं आपको दे देता हूं, ठीक है। इस चीज को आप सोचें, सबसे जो बेहतर आइडिया होता है तो वो ये होता है कि आप क्या कर रहे हैं या आप क्या करते हैं। तो अगर आप अपनी फील्ड से, अपने इंटरेस्ट से जो है ना वो मुतल्लिका चैनल बनाएंगे, अपने उस टॉपिक को लेके अगर आप आगे चलेंगे तो आपकी कामयाबी को कोई बंदा नहीं रोक सकता। आप इंशाल्लाह हर सूरत में कामयाब होंगे और आपकी कामयाबी 100% है, ये मैं आपको दावे से कहता हूँ, गारंटी से कहता हूँ, ठीक है। लेकिन ये भी जो मैं आइडियाज आपके लिए आज लेके आया हूँ, इनको भी आप सोचें, देखें, ये भी इंशाल्लाह आपकी बहुत हेल्प करेंगे YouTube पे आपको चैनल बनाने के लिए। तो हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ, नंबर 1, तो वो ये है कि आप एक ऐसा चैनल बनाएं जैसे ये टॉप 5, टॉप 10, टॉप 20, बहुत सारी चीजें उसमें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, टॉप बर्ड्स हो जाते हैं, ठीक है, एनिमल्स हो जाते हैं, एक्टर्स हो जाते हैं, मूवीज हो जाती हैं, टॉप 10, टॉप 5, टॉप 20, तो इस तरह का आप चैनल जो है ना वो आप बना सकते हैं, ठीक है। अब सेकंड जो उसमें है, उसमें आप अगर आपको गेमिंग गेमिंग में इंटरेस्ट है तो आप गेमिंग चैनल बना सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी बहुत सारे लोग देखते हैं। अब मैं एक रिसर्च इसमें देख रहा था तो उसमें यह था कि यूट्यूब पर जो है ना वो 55% जो लोग हैं वो 20 ईयर से लेके 30 ईयर की एज के लोग हैं जो यूट्यूब पर हैं। तो आप गेमिंग चैनल बना सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भी ये भी आपका दायरा काफी लोग इसको देखते हैं, ठीक है जी। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं, तो आप रोस्ट चैनल बना सकते हैं। तो अब बहुत सारे लोग हैं जो रोस्ट चैनल बना रहे हैं, लेकिन इसमें आपने एक चीज करनी है, ठीक है, आपने बदतमीजी वाले रोस्ट नहीं बनाने हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं जी। उसके अलावा अगर आपकी एजुकेशन की फील्ड है या आप कुछ पढ़ा सकते हैं, कुछ आप लोगों को एजुकेट कर सकते हैं, तो आप एजुकेशन चैनल बना लें, एजुकेशन चैनल आप बना सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं जी, आप स्टैंड अप कॉमेडी, अगर आप समझते हैं कि आप कॉमेडी कर सकते हैं, ठीक है, तो आप स्टैंड अप कॉमेडी का जो है ना वो चैनल बना लें। आप ऐसे कैमरा लगाएं, ठीक है, जैसे ये लगा हुआ है, कैमरा लगाएं, खड़े हो जाएं, ठीक है, और कॉमेडी करें, लोगों को हंसाएं। इस चीज को भी बहुत सारे लोग देखते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज को देखते हैं, पसंद करते हैं, और बहुत सारे लोग इस चीज में कामयाब हुए हैं। तो नेक्स्ट जो है ना वो हम ट्रेंडिंग टॉपिक का अगर आप चैनल बना लें तो वो भी आप इस चीज पे भी आप बना सकते हैं। ट्रेंडिंग जो भी आप टॉपिक चल रहा होता है, जैसे आप सोशल मीडिया तो मोस्टली लोग यूज करते हैं, तो उसमें बहुत सारे टॉपिक जो है ना वो चल रहे होते हैं, ट्रेंड कर रहे होते हैं, या न्यूज में बहुत सारे टॉपिक जो चल रहे होते हैं, तो उसके ऊपर आप चैनल बना सकते हैं। डेली आपको उसमें वीडियोज भी मिल जाएंगे, टॉपिक भी मिल जाएंगे, तो उसके ऊपर आप काम कर सकते हैं, ठीक है जी। उससे आगे हम चलते हैं व्लॉग चैनल। तो व्लॉग चैनल आप बना लें, बहुत सारे लोगों ने बनाए हुए हैं, बहुत सारे और कामयाब हैं और लाखों में कमा रहे हैं, ठीक है, व्लॉग चैनल आप बना सकते हैं। उसके बाद अगर आप 3D एनिमेशन या 3D में अगर आप जानते हैं तो आप वो चैनल बना सकते हैं। उसके अलावा अगर पब्लिक रिएक्शन के ऊपर आप एक चैनल बना सकते हैं, उसके लिए बेहतरीन जो उसका तरीकेकार है, पब्लिक रिएक्शन, आप माइक ले लें, एक कैमरा ले लें, एक बंदा आप साथ ले लें, ठीक है। तो आप अगर आप लोगों से बात कर सकते हैं, अगर आप समझते हैं कि आप लोगों से बात कर सकते हैं कैमरे के सामने, तो आप माइक लें, जाएं, जो भी मौजूद आप उसमें, कोई भी आप मौजूद उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सियासत के ऊपर आप कर सकते हैं, एजुकेशन के ऊपर आप कर सकते हैं, हेल्थ के ऊपर कर सकते हैं, इतने मसाइल हैं हमारे पाकिस्तान में, तो मसाइल खत्म ही नहीं होते, इतने मसाइल हैं। तो आप किसी भी मसले को लेके, तो आप डेली जो है ना वो एक दो वीडियोज उनके साथ आप बना सकते हैं, लोगों से जाके आप सिर्फ जस्ट एक एक क्वेश्चन ले लें और वो मुख्तलिफ लोगों से करें, अपनी फील्ड में निकल जाएं, बाजार में निकल जाएं, मुख्तलिफ लोगों से आप एक क्वेश्चन करें। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं जी, जो हमारी जो है ना वो हेल्थ जो है ना वो, उसके बारे में आप क्या कहते हैं, तो आप लोगों से जाके पूछें,
तो वो आपको बहुत सारी चीजें जो है ना वो उसमें आपको नई सीखने के लिए भी मिल जाएंगी, ठीक है। और ये इस तरह के जो चैनल्स होते हैं ना, जो पब्लिक रिलेशन वाले चैनल होते हैं, ये ग्रो बहुत जल्दी करते हैं। जब आप लोगों में जाते हैं तो फिर लोग आपको देखते हैं, आप लोगों को बताते हैं कि भाई मेरा ये चैनल है, तो वो लोग ऑटोमेटिकली आपके चैनल पे जो है ना वो ट्रैफिक आने का भी मसला नहीं होता, ऑटोमेटिकली आपके चैनल पे जो है वो ट्रैफिक आना शुरू हो जाती है। तो आप जो है वो ट्रेंडिंग टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बना सकते हैं, चैनल बना सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट हम चलते हैं, अब कुकिंग चैनल। अब तो कुकिंग का इतना ट्रेंड है, कुकिंग चैनल आप बना लें तो आप उस पर वीडियो डाल दें तो वो चल ही जाता है, बस उसमें ये है कि आपका जो है ना वो कंटेंट अच्छा होना चाहिए, ठीक है, सॉरी, कंटेंट उसमें आपका अच्छा होना चाहिए, तो आपका चैनल जो है ना वो 100% मैं आपको कहता हूँ आपका चैनल चल जाएगा, क्योंकि ये डेली बेसिस पे हर घर में कुकिंग होती है। तो कुकिंग आप चैनल बना लें, बहुत से इसमें मशहूर मशहूर जो है ना वो कुकिंग चैनल हैं, उसमें मुख्तलिफ वो जो है जी खेत में जा रहे हैं, और वो कुछ लोगों ने गाँव के बनाए हुए हैं, अब खेत में जा रहे हैं, ये जी हमारा गाँव है, यहाँ से जी ये हम कद्दू या वो करेले ये जो हम तोड़ रहे हैं, ठीक है, ये शलजम हम जो है ना वो खेत से उखाड़ रहे हैं और हम इसको पका रहे हैं, ये हम बना रहे हैं। अब जैसे बहुत सारे इसके इसमें एग्जाम्पल हैं, अब विलेज फूड सीक्रेट्स जैसे ये चैनल काफी आप लोगों ने भी देखा होगा, तो इस तरह के और भी बहुत सारे चैनल हैं, तो आप कुकिंग से मुतल्लिक आप चैनल बना सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे तो आप किड्स चैनल बना सकते हैं, ठीक है, बच्चों के हवाले से, अगर आपके घर में बच्चे हैं या आप बच्चों में इंटरेस्ट रखते हैं तो बच्चों को जो है ना वो स्टडी के बारे में, बच्चों की हेल्थ के बारे में, बच्चे जो जब खेलते हैं तो वो शरारतें करते हैं, आप मुख्तलिफ उनको चॉकलेट्स दे दें, बलून्स दे दें, तो वो उनके साथ वो क्या करते हैं, वो आप उसकी वीडियो बना लें, फनी मोमेंट्स जो है ना वो उनके कैप्चर कर लें, तो उसकी वीडियो बना के अगर आप अपने चैनल पे डाल देंगे तो तब भी आप इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। तो नेक्स्ट हम चलते हैं जी, अगर आप लीगल एडवाइजर हैं या आप एक लॉयर हैं, एक वकील हैं, एडवोकेट हैं, या आप लॉ के बारे में जानते हैं, तो आप लीगल एडवाइजर के तौर पे एक चैनल बना सकते हैं, ठीक है। तो उसमें आप लोगों को मुख्तलिफ मशवरे देंगे, ये वाला कानून ऐसे है, ये वाला कानून ऐसे है, ठीक है जी, मुख्तलिफ आप उसमें लोगों को बता सकते हैं, तो ये भी एक बहुत लंबा टॉपिक है, तो इसके ऊपर भी आप काफी वीडियोस बना सकते हैं, जितनी आप चाहें वीडियोस इसके ऊपर बना सकते हैं, ठीक है जी। तो नेक्स्ट हमारा जो है एंड्रॉयड ऐप्स के ऊपर आप चैनल बना सकते हैं, ठीक है, अगर आप एंड्रॉयड मोबाइल के बारे में जानते हैं, एंड्रॉयड ऐप्स जो है उनको कैसे चलाते हैं, कौन सी नई आ रही हैं, उनका क्या तरीकेकार है, इसमें बहुत सारी इतनी एप्लीकेशंस हैं आपकी सोच से ज़्यादा, तो आप इसके ऊपर आप चैनल बना सकते हैं, अगर आप इस चीज़ को समझते हैं, मोबाइल को समझते हैं, उसके बारे में आप जो है ना वो चैनल बना सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो है ना जो फनी एक्सपेरिमेंट, अब बहुत सारे आपने भी वीडियोस देखी होंगी चैनल्स के ऊपर, फनी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, वो लोगों को हंसाने के लिए जस्ट वो करते हैं एक्सपेरिमेंट्स, तो उनकी हकीकत कोई नहीं होती, बस वो लोग देखना चाहते हैं कि इसमें क्या होता है, तो लोग भाई इसको देखते हैं, इस चीज़ का आप चैनल बना सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है जी ऑनलाइन अर्निंग, तो अगर आप ऑनलाइन अर्निंग के बारे में जानते हैं तो आप ऑनलाइन लोगों को कैसे ऑनलाइन आप लोगों ने पैसे कमाने हैं वो उस चीज़ के आप तरीके बता सकते हैं, लोगों को ऑनलाइन अर्निंग के मेथड बता सकते हैं, उसमें एप्लीकेशन से काफ़ी कुछ है, तो इस चीज़ का आप चैनल बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है जी ऑफलाइन बिजनेस, ठीक है, तो ऑफलाइन बिजनेस में अगर आप लोगों को ये भी बिल्कुल आसान है, लोगों को ऑफलाइन आप बिजनेस के बारे में बताएं, मतलब आपने अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने गोलगप्पे की रेडी लगानी है तो उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, कितने पैसे लगेंगे, कहाँ से आएंगे, कैसे रेडी लगाएंगे, कैसे उसकी डेकोरेशन करेंगे, तो ये चीज़ें आप मुख्तलिफ इसमें बिजनेस हो सकते हैं, बहुत सारे बिजनेस हैं, ठीक है, छोटे से लेके बड़े तक, तो आप ये चीज़ आप इसमें बता सकते हैं कि ऑफलाइन आप कितने पैसों से कौन सा बिजनेस होता है, कौन सा बिजनेस कितने पैसों से आप कर सकते हैं, कितने पैसे लगाएंगे, कितने पैसे कमाएंगे, जो है ना वो होलसेल मार्केट इसकी किधर है, इसकी लोकल मार्केट किधर है, कहाँ से लें, कहाँ से परचेज करें, कहाँ सेल करें, तो इस चीज़ का आप चैनल बना सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है जी शादी जो है ना वो उसके बारे में भी आप कर सकते हैं कि किस एज में शादी करनी चाहिए, किस एज में नहीं करनी चाहिए, किससे करनी चाहिए, किससे नहीं करनी चाहिए, ठीक है जी। जैसे ये मैरिज ब्यूरो वाले होते हैं तो मैरिज ब्यूरो भी एक आप ये चैनल बना सकते हैं, भाई हर चीज़ यूट्यूब के ऊपर चल रही है और चलेगी, अगर आप अच्छा कंटेंट उसमें रखेंगे तो चलेगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है ना जी आप टॉय अनबॉक्सिंग कर सकते हैं, टॉय अनबॉक्सिंग का चैनल आप बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है वो है अगर आप टॉयज बनाते हैं मुख्तलिफ चीज़ों से, फॉर एग्जांपल ये बोतल वगैरह ले लें, खाली डिब्बे ले लें, इनके साथ वो मुख्तलिफ आपने चैनल यूट्यूब के ऊपर देखे भी होंगे ऐसे जो ये काम कर रहे हैं, अगर आप ये कर सकते हैं तो आप इस चीज़ का चैनल बना सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं जी आप शॉपिंग के मुतल आप चैनल बना सकते हैं, ये इसमें लेडीज़ को बड़ा क्रेज़ होता है, ठीक है जी, शूज़ कहाँ से लें, क्लॉथ कहाँ से लें, कहाँ से सस्ते मिलते हैं, कहाँ से महंगे मिलते हैं, बार्गेनिंग वाली शॉप से लें या फिक्स प्राइस वाली शॉप से लें, ठीक है, कौन सी शॉपिंग कहाँ से करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, उसमें आप मेथड्स दे सकते हैं, टिप्स दे सकते हैं, तो ये भी एक बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है, तो इसके ऊपर भी आप चैनल
बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं जी। नेक्स्ट, अगर आप बैंकिंग के मुतलका जानते हैं, बैंकिंग में बहुत सारी इसमें स्कीमें आ जाती हैं। ठीक है जी, गाड़ी का लोन आ जाता है, उसमें पैसे रखाने हैं, निकलवाने हैं, कहीं भेजने हैं, कहीं से मंगवाने हैं, तो ये भी एक पूरा टॉपिक है, इसके ऊपर आप चैनल बना सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारा आ जाता है जी फार्मिंग के ऊपर। ठीक है, तो इसमें फार्मिंग के ऊपर आप चैनल बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसमें बर्ड फार्मिंग है, कोयल फार्मिंग है, इसमें डेयरी फार्मिंग है, लाइव स्टॉक, जितना भी इसमें, ये भी एक बड़ा पूरा मुकम्मल एक टॉपिक है। बहुत सारे लोगों का आपने देखा होगा जी, अगर आप इतनी मुर्गियां लेंगे तो वो इतने अंडे देंगी, अगर आप वो इतने अंडे देंगी तो फिर वो इतनी मुर्गियां बन जाएंगी, इतनी मुर्गियां बन जाएंगी तो फिर आप लाखों कमा लेंगे, लाखों जब आप कमाएंगे तो फिर आप जो है ना वो महीनों में करोड़ों में खेलने लगेंगे, फिर आप अरबों में चले जाएंगे। तो भाई अब वो तो जो भी इसमें कॉन्टैक्ट वो देते हैं वो एक अलग चीज है, लेकिन आप एक अच्छा कॉन्टैक्ट दें। ठीक है, तो आप इस चीज पे भी चैनल बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मुख्तलिफ फॉर्म्स का विजिट कर लें, ठीक है, वहां उन लोगों से बात करें, लोगों को बताएं कि भाई ये इस चीज का फॉर्म है, फॉर एग्जाम्पल ये काउ फॉर्म है। ठीक है, तो काउ फार्म में ये आपको क्या किन किन चीज़ों की आपको जरूरत होती है, ठीक है, क्या क्या चीज़ें आपने लेनी है, काउ कितने की आएगी, कितने की आगे जो है ना वो सेल होगी, उसमें वो दूध कितना देगी, तो ये बहुत सारी चीज़ें आप इसमें, कोयल फार्मिंग है, ठीक है, तो उसमें ये आपको बर्ड कहाँ से मिलेंगे, बच्चे कहाँ से मिलेंगे, उसकी फीड कहाँ से मिलेगी, ये सारी जो है ना वो इस चीज़ के ऊपर भी आप चैनल बना सकते हैं। तो अब नेक्स्ट हम आप चलते हैं जी साइंस एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर। तो अगर आप साइंस एक्सपेरिमेंट्स करना जानते हैं या आप एक साइंस टीचर हैं, तो साइंस एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर भी आप चैनल बना सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका चलेगा, बल्कि लाखों डॉलर लोग इससे कमा रहे हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं जी मोबाइल अनबॉक्सिंग रिव्यू। तो इस चीज़ के आप मोबाइल के मुतलक अगर आप जानते हैं, तो इस चीज़ के ऊपर भी आप चैनल बना सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा है जी ब्यूटी टिप्स। तो अगर आप खूबसूरत हैं तो ब्यूटी टिप्स का आप चैनल बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप दिखाते हैं जो कोई भी क्रीम आप दिखा लें, कोई एलोवेरा कोई चीज़ आप उठा के लगा लें, आप कहें ये देखें जी ये मैंने एलोवेरा ये मैंने लगाया है, तो ये देखें जी मैं ये कितना खूबसूरत हो गया हूँ, ठीक है, ये मेरी स्किन कितनी इसके साथ ग्लो हो गई है, तो लोग आपको देखेंगे अगर आप खूबसूरत हैं। ये आपने इसी सूरत में बनाना है अगर आप खूबसूरत हैं। ठीक है, तो अगर आप खूबसूरत हैं तो आप ये ब्यूटी टिप्स का चैनल बना सकते हैं। ठीक है, तो लोग आपको देख देख के वो लगाई जाएंगे, बेशक वो खूबसूरत हो या ना हो, लेकिन वो आपको देख देख के लगाई जाएंगे। ठीक है, और आपका चैनल इंशाल्लाह जो है ना वो ग्रो कर जाएगा भाई, ये मैं आपको पक्का कह रहा हूँ, अगर आप भाई हैं बहन हैं जो भी हैं, तो आपका चैनल इंशाल्लाह ग्रो कर जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चलते हैं जी गैजेट्स अनबॉक्सिंग। मुख्तलिफ जो घरेलू इस्तेमाल की चीज़ें हैं कोई, उनकी आप अनबॉक्सिंग कर सकते हैं, उनके बारे में बता सकते हैं, छोटे बहुत उनमें प्रॉब्लम जो छोटे छोटे आ जाते हैं उनको आप ठीक करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्विच खराब हो गया तो उसको आपने कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये आप जो है ना वो अपने लोगों को बता सकते हैं कि कैसे इसको आपने करना है। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारा चलता है जी, अगर आप हेल्थ के मुतलका जानते हैं तो आप हेल्थ टिप्स उसमें दे सकते हैं, हेल्थ के मुतलका बता सकते हैं, जो उसमें बहुत सारी इसमें फील्ड्स आ जाती है, अगर आप हेल्थ के मुतलका जानते हैं तो आप इस चीज़ का भी चैनल बना सकते हैं। ठीक है, तो हेल्थ से मुतलक अब इसमें एक और चीज़ आ जाती है, अगर आप हिकमत थोड़ी बहुत जानते हैं, आप तो हकीम तो भाई आपको हर घर में मिल जाता है, तो नीम हकीम खतरा जान, लेकिन फिर भी यूट्यूब पे सब कुछ चल रहा है भाई, अगर आप हिकमत का चैनल भी बना रहे हैं, बहुत से लोगों ने बनाए हुए हैं और वो बस कुछ ना पूछें, तो आप हिकमत का चैनल भी बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं जी, अगर आप होम्योपैथिक डॉक्टर हैं तो होम्योपैथिक की पूरी एक मुकम्मल फील्ड है, तो उसका भी आप चैनल बना सकते हैं, उसमें लोगों को आप बता सकते हैं कैसे आपने बीमारियों से बचना है, कैसे अपनी अपनी सेहत का ख्याल रखना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो नेक्स्ट हमारा है जी कैरियर गाइडनेस। तो कैरियर गाइडनेस का भी आप चैनल बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मैट्रिक का बच्चा है तो उसने आगे नेक्स्ट उसने क्या करना है, ठीक है, किस फील्ड में वो जाए, कोई टेक्निकल डिप्लोमा करे, कोई मेडिकल का डिप्लोमा करे, और मेडिकल का कौन सा डिप्लोमा करे, टेक्निकल का कौन सा डिप्लोमा करे, वो एफएससी करे, वो क्या करे, इसमें कुछ भी है, कैरियर आप गाइडलाइन लोगों को दे सकते हैं। अगर किसी ने एफएससी कर ली तो वो क्या करे, अगर किसी ने बीएससी कर ली बीए कर लिया तो उसमें आगे नेक्स्ट वो क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता, जॉब्स के मुतल हर चीज़ इसमें एक लंबा ये भी टॉपिक है, तो ये भी आप चैनल बना सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है जी जॉब वैकेंसीज। तो जॉब वैकेंसीज डेली कोई ना कोई आई रहती हैं, तो जॉब वैकेंसीज के मतलब भी आप चैनल बना सकते हैं। तो अब बहुत सारी हमारे पाकिस्तान में दुनिया जो है ना वो बेरोजगार है, बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं, तो वो आपका इंशाल्लाह चैनल देखेंगे, आपका जो है ना वो वीडियोज आपकी देखेंगे, तो आप इस चीज़ का भी चैनल बना सकते हैं। ठीक है, जॉब्स के मतलब का, उसमें प्राइवेट जॉब्स की भी अगर आप उसमें दे सकते हैं एड्स वगैरह, तो वो भी आप चैनल बना सकते हैं। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं जी हमारा न्यूज़ चैनल। ठीक है, तो आप न्यूज़ चैनल बना सकते हैं, न्यूज़ चैनल के लिए भी आप बेशुमार आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे, वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, और बहुत सारे लोग अब न्यूज़ चैनल इसमें जो है ना वो चला रहे हैं, जैसे आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट हो गया, हकीकत टीवी हो गया, तो इस तरह करके आप भी इस तरह का एक चैनल बना सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट हम चलते हैं मोटिवेशनल स्पीकर। अगर आप हैं या आप समझते हैं कि आप लोगों को समझा सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, तो मोटिवेशनल चैनल आप बना सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं जी, नेक्स्ट हमारा है जी
पेट्स केयर, तो पेट्स केयर की भी आप जो अगर आपके घर में बैठे हैं परिंदे हैं या कुछ भी बिल्ली खरगोश कुछ भी हैं, तो आप उनकी केयर कैसे करनी है, इनको कैसे आपने पालना है, कैसे रखना है, कैसे नहीं रखना, तो इस चीज के मुताबिक आप चैनल बना सकते हैं, ठीक है। तो उसमें नेक्स्ट आ जाता है, अगर आप एनिमल डॉक्टर हैं, ठीक है, अगर आप डंगर डॉक्टर नहीं डंगरों के डॉक्टर हैं, तो अगर आप डंगरों के डॉक्टर हैं तो उस चीज के मतलब भी आप चैनल बना सकते हैं, उसमें एनिमल्स की हेल्थ के बारे में आप बता सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ये भी एक अच्छा खासा लंबा चौड़ा टॉपिक है, तो ये चीज आप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है जी बायोग्राफी, तो अगर आप बायोग्राफी जो है ना वो ये अगर आप चैनल बनाएं तो ये भी आपका चल जाएगा भाई, किसी भी आप पर्सनैलिटी को ले लें, किसी आप सियासतदान को ले लें, ठीक है, डेली आपको कोई ना कोई मिल जाएगा, कोई आप जो है ना वो शोबिज से ले लें, तो उनके ऊपर आप वीडियोस बना बना के डालते जाएं, तो ये भी इंशाल्लाह आप ग्रो कर जाएंगे, ठीक है जी। तो नेक्स्ट उसके बाद है जी एक्सरसाइज जिम वगैरह, तो उसके मतलब भी आप चैनल बना सकते हैं, अगर आप एक्सरसाइज लोगों को करना सिखाते हैं, लेकिन ये अगर आप फिर खुद आप फिट है ना तो फिर आपने बताना है, फिर आपने बनाना है, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह ये भी आपका चल जाएगा, एक्सरसाइज के मतलब का लोगों को बताएं कौन सी एक्सरसाइज करें, कौन सी एक्सरसाइज जो है ना वो आप उससे क्या होता है, जिम जो है ना वो कितनी देर करना चाहिए, कितनी देर नहीं करना चाहिए, कब करना चाहिए, तो इसमें ये बहुत लंबा चौड़ा ये भी टॉपिक है, तो इस पर आप चैनल बना सकते हैं, ठीक है जी। उसके अलावा आप टूरिस्ट प्लेसेस के ऊपर चैनल बना सकते हैं कि कहाँ जाना चाहिए जो है ना वो, कहाँ जाना आपके लिए, कहाँ आपको कितना फायदा होगा, क्या क्या चीज़ आपको देखने को मिलेगी, वहाँ पे कौन सा होटल अच्छा है, कहाँ आप ठहर सकते हैं, क्या आप कर सकते हैं, तो इस चीज़ के ऊपर भी आप एक चैनल बना सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम चल जाते हैं, अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में जानते हैं तो स्टॉक मार्केट के मतलब भी आप चैनल बना सकते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इस चीज़ के ऊपर भी ये भी एक पूरा टॉपिक है, तो इसके ऊपर आप चैनल बना सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है जी वो है शायरी, अगर आप शायर नहीं भी हैं तो तब भी आप शायरी के मतलब का चैनल बना सकते हैं, आप मुख्तलिफ गज़लें नज़में उसमें ले लें, उनके ऊपर वीडियोज़ बनाएं, ठीक है जी, उसमें इफेक्ट्स वगैरह डालें, बहुत सारी आपको फ्री वीडियोज़ मिल जाती हैं नेट से, ठीक है। उसके लिए मेरी एक अलग से वीडियो है, उसमें आप देख सकते हैं कि कहाँ से फ्री वीडियो, फ्री आपने कॉपीराइट फ्री पिक्चर्स कहाँ से आपने लेनी है, ठीक है। तो वो आप लेके तो आप शायरी का चैनल बना सकते हैं, उसमें वीडियोस बना के आप अपलोड करें, भाई लोग इसको भी देखते हैं। उसके अलावा लाइफ हैक्स हैं, अगर लोगों को आप जिंदगी के जीने के तरीके गुर अगर आप बताते हैं तो ये इस चीज में ये भी आप चैनल बना सकते हैं, उसमें आप जो मर्जी आप स्टोरियां सुनाते जाएं वो आपकी चल जाएंगी, ठीक है। तो ये भी आप चैनल बना सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट बार आ जाता है स्पोर्ट्स, तो स्पोर्ट्स चैनल आप बना सकते हैं, ठीक है। उसमें आप फुटबॉल हॉकी जो कुछ भी आपको जो है ना वो जो इंटरेस्ट है, जो आप देखते हैं, जो आपको पता है, उसमें जो मर्जी आप जो है ना वो उसमें चला सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप क्रिकेट का चैनल बनाएं तो क्रिकेट का भी आप चला सकते हैं, क्रिकेट तो आपको पता है 12 महीने चलती है, कोई ना कोई इवेंट आया रहता है, तो उसमें जो क्रिकेटर्स हैं, बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं, उनकी जो है ना वो आप वीडियोज बना सकते हैं, उनकी लाइफ के बारे में, उनकी जो है ना वो कैरियर के बारे में, तो स्पोर्ट्स चैनल आप बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है जी फैशन, तो फैशन डिजाइनिंग जो है ना वो उसके बारे में बता सकते हैं, या वैसे आप फैशन के बारे में बता सकते हैं, भाई आप आजकल क्या चल रहा है, कौन से कपड़े पहनने चाहिए, कौन से जूते पहनने चाहिए, कौन से ग्लासेस लगाने चाहिए, ठीक है। तो इस चीज के मुताबिक भी आप चैनल बना सकते हैं, इसमें काफी चीजें आ जाती हैं। नेक्स्ट हमारा है जी अगर आप सिलाई कढ़ाई को, ये फॉर स्पेशली लेडीज, तो अगर आप सिलाई कढ़ाई के बारे में जानते हैं, ठीक है जी, आप जो है ना वो लेडीज कपड़ों की डिजाइनिंग के बारे में जानते हैं, तो उस चीज के ऊपर भी आप ये भी चैनल आप बना सकते हैं, ठीक है, लोगों को सिखा सकते हैं। उसमें नेक्स्ट हमारा आ जाता है जी यूट्यूब टिप्स, तो यूट्यूब टिप्स का आप चैनल बना सकते हैं, जैसे ये मैं भी अब आपके सामने ये सारा कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये यूट्यूब चैनल आप जो है ना वो इस तरह का भी बना सकते हैं जिसमें आप टिप्स दें मुख्तलिफ, तो ये भी आपका जो है ना वो चल रहेगा, तो आप देखेंगे तो हम भी चल जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है जी हाउ टू, अब कोई भी वीडियो आप देखते हैं लगी होती है हाउ टू ये हाउ टू वो हाउ टू हाउ टू हाउ टू हाउ टू हुई है यूट्यूब पर हर तरफ हाउ टू हाउ टू, तो ये हाउ टू क्यों हुई हुई है, तो ये इसलिए हुई हुई है कि लोग भाई देखते हैं तो ये क्या क्या होता है, कैसे होता है, तो इसके ऊपर भी आप एक चैनल बना सकते हैं कि ये करेंगे तो ये होगा, वो करेंगे तो वो ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, तो ये पूरा एक ये भी टॉपिक आपके पास है, इस चीज के ऊपर आप चैनल बना सकते हैं, ठीक है जी। तो नेक्स्ट हम चलते हैं ऑटोमोबाइल, अगर आप गाड़ियों में आपका इंटरेस्ट है तो उसके ऊपर भी आप चैनल बना सकते हैं, भाई कौन सी गाड़ी अच्छी जा रही है, टॉप 1 टॉप 5, ठीक है, कौन सी कितनी वो उसकी एवरेज कितनी है, कैसे चलती है, स्पीड उसकी कितनी है, ठीक है, उसमें छोटा मोटा अगर प्रॉब्लम आ जाए तो उसको हमने कैसे ठीक करना है, ठीक है। नेक्स्ट उसमें आ जाता है हमने कहाँ से परचेज करनी है, ठीक है, अगर पुरानी गाड़ियों का आप करना चाहें, इसमें भी एक लंबा चारा चौड़ा जो है ना जी वो बेशुमार एक टॉपिक आ जाते हैं, तो इस चीज़ के ऊपर भी आप चैनल बना सकते हैं। तो भाई ये मैंने आज आपको बहुत ज़्यादा मैंने कोशिश की है कि आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके ये सारे मैं आपको तरीके बताऊं, तो
तो भाई इनमें से जो भी आप करना चाहते हैं, लेकिन कुछ भी करें करें जरूर, ठीक है। तो इसके बावजूद भी अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा कि भाई आपने कौन सा चैनल बनाना है, टॉपिक कौन सा चूज करना है, तो भाई फिर नीचे कमेंट्स कर दें, ठीक है। तो आपका भाई उसके ऊपर भी आपको जवाब दे देगा, लेकिन उसमें आपने ये जरूर बताना है कि आप क्या करते हैं, आपका इंटरेस्ट किस चीज में है और क्या आप कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें मजीद उसमें इसमें जो है ना, वो मैं आपके लिए इंशाल्लाह एक नई वीडियो लेके आ जाऊंगा, उसमें वॉइस ओवर्स के आप चैनल जो है ना वो आपने किस तरह बनाने हैं, तो ये सारी चीजें इंशाल्लाह आपको मजीद भी सीखने को मिलती रहेंगी। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो आपका भाई आपके लिए वीडियो बनाता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।